संभोग से समाधि की ओर। 1968 में जब ओशो ने पहली बार यह शब्द उच्चारा था तब पूरे भारत देश में एक हड़कंप मच गया था। उस वक्त कोई भी धर्मगुरु संभोग यह शब्द तक उच्चारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तब ओशो ने संभोग से समाधि की ओर इस नाम के 5 लेक्चर मुंबई में दे दिए थे। उस वक्त पूरे भारत देश में एक ऐसी हलचल मच गई थी कि ये कौन अचानक ऐसा सत्पुरुष आ गया जो संभोग का झंडा लेके आगे बढ़ रहा है। और उसी वक्त ओशो को सेक्स गुरु भी कहा जाने लगा। मित्रों, ओशो की उस वक्त की एक शिष्या जो उस वक्त ओशो की डिवोटी थी अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, उसने मुझे किस्सा उस वक्त का बताया है कि उस वक्त ओशो और उसके सन्यासी इतने बदनाम हो चुके थे कि जब कहीं वो शिष्या अपना मरून कलर का गाउन पहन के जब घूमती थी और गले में ओशो का फोटो वाला बिल्ला लगाई होती थी तो उसके पीठ पीछे लोग उसको चिल्ला चिल्ला के संभोग संभोग ऐसा चिल्लाते रहते थे। उसने कहा कि उस वक्त इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि एक बार उसने ओशो को यह सवाल पूछ लिया कि भगवान आपने इस तरह के शब्दों का और इस तरह के विचारों का क्यों प्रचलन शुरू किया, आप जो बातें कहते थे उसकी वजह से लोगों को हमारे बारे में भी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तब ओशो ने उसे समझाया कि संभोग ये पहली सीढ़ी है, अगर उसे पार नहीं करोगे तो जो अंतिम सीढ़ी है परमात्मा वहां तक कैसे पहुंच पाएगा। और ओशो अपने मन में जो आता था वही बोलते थे, उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। यही वो रीजन था जिसकी वजह से वो सबसे बड़े विद्रोही संत कहलाए। तो मित्रों, अब बात ये उठती है कि संभोग से समाधि पाना क्या सचमुच पॉसिबल है। ओशो के इसी लेक्चर्स की वजह से कई सारे लोग उनकी ओर खींचे चले गए। फ्री सेक्स जो उनके आश्रमों में खुले तौर पर यौनाचार किया जाता था उसी में लोग अटक गए और समाधि पाने का स्वप्न देखने लग गए। लेकिन क्या उन्होंने कभी समाधि पाई? वो सेक्स के ही दलदल में फंस के रह गए और जो ओशो का सपना था संभोग से समाधि की ओर वो सिर्फ उन तक ही सीमित रहा। क्योंकि मित्रों, हर इंसान उतना डेवलप नहीं है जो संभोग क्रिया द्वारा समाधि की ओर जा सके। ओशो का जो मूल उद्देश्य था कि संभोग ऊर्जा का रूपांतरण, एक ऊर्जा है जो काम ऊर्जा है उसका रूपांतरण खुद के डेवलपमेंट में कोई व्यक्ति करके समाधि अवस्था प्राप्त कर रही, ये ओशो कहना चाहते थे, लेकिन लोग वो समझ ही नहीं पाए थे। मित्रों, हमारे भारत में कई सारे ऋषि हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, उनसे भी पहले भगवान बुद्ध हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी संभोग की बातें नहीं की थी। वो हमेशा ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर देते थे, अपने चारित्र्य को संवर्धन करने में ऊपर जोर देते थे। मित्रों, लेकिन ओशो ने ये बात क्यों उठाई? क्योंकि ये एक तांत्रिक पद्धति है। ओशो की दादी जो बहुत बड़ी तांत्रिक थी उनसे उन्होंने ये तरकीब सीखी थी कि काम ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह किया जाता है। तांत्रिकों में एक कुंडली दिशा मंत्र है, उसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि कई विधियां हैं कुंडलिनी की, पर सबसे अच्छी है नारी। नारी को संगिनी बनाकर कुंडलिनी जगाओ, बात ये कितनी न्यारी। तो इस विधि में कुंडलिनी जगाने के लिए नारी का उपयोग किया जाता है। ओशो भी वही टेक्निक सिखाना चाह रहे थे लेकिन लोग संभोग में अटक के रह गए। मित्रों, इसीलिए जो ओशो के पूर्व जो साधु हुए थे, सन्यासी हुए थे, योगी हुए थे, गुरु हुए थे, उन्होंने संभोग को, काम वासना को बाजू में रख दिया था। इसके पीछे की वजह यही थी। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि क्या काम वासना बुरी चीज है? क्या किसी इंसान का, किसी मनुष्य का स्त्री के प्रति आकर्षण बुरा होता है? कदापि नहीं मित्रों, ये सब एक सामान्य गृहस्थी के लिए ठीक है, लेकिन जिसने अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए स्त्री का आकर्षण, कामुकता, नारी के बारे में मन में उठने वाली आसक्ति ये घातक सिद्ध होगी मित्रों, जिससे वो अपने मकसद से भटक सकता है। इसीलिए पुराने समय में इन चीजों को दूर रखा जाता था और शिष्यों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी ताकि वो अपने जीवन का और भी बड़े कार्यों में उपयोग कर सके और एक सामान्य मनुष्य भी महामानव बन जाए। मित्रों, जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो पुरुष के अंदर की जो काम शक्ति है वो वीर्य के रूप से स्त्री के शरीर में समाती है और उससे एक नए जीवन का प्रारंभ होता है, एक नया जीव उससे जन्म लेता है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया जाए तो उस इंसान का पूरा रूपांतरण हो जाता है, उसका खुद का ही नया जन्म हो जाता है। मित्रों, यही है संभोग से समाधि का असली रहस्य जो लोग समझ नहीं पाए थे। तो मित्रों, यही मेरे को आज कहना था, इतना कह के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।